अगर आप तेज इंटरनेट स्पीड और डाउनलोड चाहते हैं, अगर आप निर्बाध अल्ट्रा क्वालिटी वीडियो कॉलिंग फीचर चाहते हैं, और अगर आप बिना किसी नेटवर्क की समस्या के कहीं से भी वॉइस कॉल करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत ने 5G कॉल का बुधवार को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। IIT मद्रास में यह टेस्टिंग की गई। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G वॉइस और वीडियो कॉलिंग की। भारत की इस स्वदेशी 5G तकनीक को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे नेटवर्क को भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। टेस्टिंग तो हो गई और सफल भी रही, लेकिन अब ऐसे में सवाल आता है कि 5G के आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। समय बदलता रहा है। 2000 के दशक में लोगों ने 3G का अनुभव किया, फिर बीते दशक में 4G स्पीड का अनुभव किया। दोनों की स्पीड और कवरेज में काफी ज्यादा अंतर था। अब ऐसे में क्या यह अंतर 4G और 5G के बीच भी देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग काफी तेज गति से होगी। इसके आने से आप कई डिवाइस को एक साथ जोड़ पाएंगे। मोबाइल टावर दूर हो तब भी इंटरनेट चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मोबाइल बैटरी की कम खपत होगी। आपको तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी 4G से 10 गुना ज्यादा। इससे आपके काम करने की स्पीड तेज हो जाएगी। आप बिना किसी रुकावट के काम कर पाएंगे। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियो कॉल्स कर सकेंगे। 5G पर आपको बेहतर कनेक्टिविटी और कॉलिंग सुविधा मिलेगी। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया इस सर्विस के स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग ले सकती हैं। भारत का टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई अपनी कुछ सिफारिशों के साथ आगे आया है, जिसमें स्पेक्ट्रम की कीमत 35-40% तक घटाने की बात है। इस मामले की गेंद अब भारत सरकार के पाले में है कि वह क्या रेट घटाती है या नहीं। भारत में 5G की बात करें तो इसके कई प्रोजेक्ट पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वहीं प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी भी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने की तारीख सामने नहीं आई है। हाल में रिपोर्ट्स की माने तो देश में 5G नेटवर्क इस साल के अंत तक आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।